अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज का ब्लॉग करते हैं जी शुरू। आज हमारा एक ही काम है जी, हमने अपनी ये हाईजेट है इसको वॉश करवाना है। इसकी कंडीशन बहुत ही नाजुक सूरत हालों में चल रही है और इसको मुकम्मल तरीके से डिटेल करना है। अभी आपको मैं गाड़ी का सारा कुछ दिखाऊंगा, इंटीरियर एक्सटीरियर की ये किस कंडीशन में, इसको फिर आफ्टर भी दिखाऊँगा कि किस कंडीशन में होगी ये गाड़ी। और मैं गाँव ही आया हुआ हूँ, गाँव में अच्छी वॉश करते हैं, सही बेहतरीन किस्म की। और पीछे तो रास्ता बंद है जैसा कि आप वो पीछे देख सकते हैं, शायद आपको नज़र आ रहा हो। अभी यहाँ पे जूम नहीं होता, रोड्स बन रही है गांव में, तो ये देखते हैं अभी आगे वाले रास्ते से जाएंगे भाई जी। आप गाड़ी की कंडीशन सही गंदी हुई हुई है, ये तो एक्सटीरियर की सूरत हाल है, मतलब सूरत हाल है एक्सटीरियर की। और इंटीरियर ये आप देख लें, दिखाते हैं जी आपको इंटीरियर भी। ये देखें जी, ये दोस्त का सामान पड़ा हुआ है रास्ते में, उसे भी देंगे सामान वगैरह। ये देखें, ये गत्ते शत्ते बिल्कुल फारग हुए हैं। और ये देखें जी, आगे से ये देखें जी, ये चेक करें। और ये डैशबोर्ड की कंडीशन देखें, कितनी बुरी हालातों में, मतलब इस गाड़ी को बहुत बुरे हालातों में रखा गया है। अब इंशाल्लाह इसको साफ़ करेंगे, बिल्कुल सही चमकाएंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे साफ़ करते हैं गाड़ी। मैं ख़ुद भी करूंगा कुछ हद तक, मतलब ये इंटीरियर वगैरह कोशिश करूँगा खुद ही साफ़ करूँ, और बाकी एक्सटीरियर तो सर्विस स्टेशन पर हो जाएगा साफ़। ये देखें कि वो सामने पीछे रास्ता बंद है, ये रोड्स बन रही हैं गाँव में, गलियाँ वगैरह, तो ये रास्ता बंद हुआ है, तो हमें अगले रास्ते से जाना पड़ेगा बाहर। आगे तंग गली है, आपको दिखाते हैं जी हम गांव से निकलते हैं इंशाल्लाह। फार्म पे पहुंच चुके हैं और फार्म से हमने कज़न को पिक कर लिया, ये नामी गुजर साहब हैं, पीछे बैठे हुए हैं। चलें जी अभी सर्विस स्टेशन की तरफ चलते हैं, और उससे पहले दोस्त को सामान देना है, सामान देंगे दोस्त को और आपको ये दिखाते हैं व्यू गाँव का सारा बेहतरीन किस्म का, सब्जा ही सब्जा है हर तरफ। और ये रोड भी चेक करते हैं, रोड थोड़ी ख़राब है, बना रहे थे, बनाते बनाते ये प्रोजेक्ट रुक गया, अब देखें कब बनती है ये रोड। आप ड्राइविंग करें, मैं कैमरा ले लें जी, चलें आप। हम गांव के दूसरी तरफ आ चुके हैं और गाड़ी वगैरह वहां से निकाल के ले आए हैं। अभी आगे दोस्त हमारा आ रहा होगा, पहुंचा होगा बल्कि, तो उसे बस ये सामान वगैरह रखवाएंगे, उसके बाद उसे देंगे और फिर उसके बाद हम सर्विस स्टेशन की तरफ निकलेंगे, ठीक है। चलिए बस ये करीब ही है, पहुंच गए हम, अभी सामान निकाल रहे हैं सोहेब भाई के दोस्त का। है ना, ये हैं जी सोहेब भाई के दोस्त। सामान तो दे दिया है, बस अभी सर्विस स्टेशन की तरफ जाने लगे हैं। बाकी हमारे भाई की वो सामने से एक है बड़ी प्यारी सी, वो आपको दिखाते हैं, रिवाज कर रहे हैं एक, ये देखिए जी बड़ी प्यारी सी वेगन उन्होंने तैयार की हुई है, बहुत प्यारी बनाई है इन्होंने गाड़ी। गाड़ी में चिक चिक बहुत है, ये सारी खत्म करेंगे इंशाल्लाह, ये देखेंगे अभी दुलवाते हैं, शायद खत्म हो ही जाए ये चिक चिक जो जितनी आ रही है इसमें, तो बाकी इसकी अलाइनमेंट और हर चीज़ ये ओके कराएंगे गाड़ी में।
चलें जी सर्विस स्टेशन की तरफ चलते हैं। फिर गाड़ी की चीज़ें वगैरह तो मैंने बाहर निकाल दी हैं और ये देखें नीचे कितनी मिट्टी है और ये सारा कुछ इतना गंद है, ये अपनी हर चीज़ ये धुलवाएंगे। बाकी अगले दरवाजे में ये चीज़ें रख लेते हैं, ये आराम से ये खोलते हैं और ये सारी चीज़ें आगे रखते हैं, हवा मारे होंगे भाई और बिल्कुल साफ़ करेंगे इस गाड़ी को। इसको दराज में दराज भी बहुत गंदा हुआ है, अंदर से इसको बाद में साफ़ कर लेंगे हम खुद ही। छोटी मोटी चीज़ें यहाँ पे रखते हैं, बाकी इंजन भी देख लेते हैं, इंजन को अगर ज़रूरत है तो इसे भी धुलवा लेंगे। ये खुलता कैसे, ये खुल गया, इंजन को ज़रूरत तो है मगर इसको धुलवाते नहीं है क्योंकि कोई पता नहीं बाद में स्टार्ट हो ना हो, क्योंकि अभी नई नई आई है, अभी पास ये ना हो मसला परेशानी बन जाए फिर हम लटके रहे हैं। हमने शाम को पिंडी भी जाना है, ये देखें जी इंशाल्लाह बिल्कुल चमका के लेके जाएंगे घर। इस तरफ से देखें आप, ट्रैक्टर खड़ा हुआ है बड़ा खूबसूरत सा और ये देखें जी सब्जा बहुत लेवल का नज़ारा है यार, बहुत लेवल का, बहुत मज़ा आ रहा है। वो हमारे भाई बैठे हुए हैं दोनों, ये चेक करें। धुल गई है बिल्कुल बेहतरीन किस्म की, बस अभी इसके नीचे डीजल वगैरह मरवा रहे हैं ताकि थोड़ी बहुत जो चिक चिक वगैरह थी वो बंद हो जाए, बाकी फिर थोड़ी बहुत सेटिंग करवाएंगे, ये डेंट शेंट निकलवाएंगे इंशाल्लाह, ये ड्राई डेंटिंग ही होगी, कोई पेंट शेंट तो किसी जगह से भी नहीं होने वाली। बाकी कंडीशन अगर आज ठीक है गाड़ी की, नीचे पेंट भी नहीं, ये बम्पर वगैरह पेंट हो जाएंगे जो टूटा हुआ ये रिपेयर करवा लेंगे, बाकी बॉडी वाइज सारी जो है ना वो उसको पेंट नहीं करवाएंगे, वो ठीक ही रहेगी, नॉर्मल कंडीशन में रखेंगे गाड़ी को। और ये देखें बिल्कुल फिट हो गई,
इंटीरियर अभी रहता है, इंटीरियर को मैं खुद साफ करूंगा घर जाके। थोड़ा बहुत ये कर देंगे गीले कपड़े से, क्योंकि डैशबोर्ड की हालत बहुत ही गंदी है। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कितना गंदा है डैशबोर्ड, और इंटीरियर अंदर से भी बहुत गंदा है। उसको मैं खुद सीटें शीटें खोल के ना खुद धो लूँगा घर में, या सर्विस स्टेशन पर ले आऊँगा सीटें निकल कर ना फिर धुलवा लेंगे, बाकी फिट होगी है। देखें जी ये ये जी, बस अभी साफ करने लगे हैं गाड़ी को, ये सर्फ वाला कपड़ा से लिया है ताकि इसको थोड़ा सा सर्फ मारेंगे शैम्पू वगैरह, ताकि इसके अंदर जो दाग लगे हुए हैं वो ताकि उतरें सही तरीके से। फिर उसके बाद कुछ कपड़ा मार के ना गीला थोड़ा सा नॉर्मल, तो उसको काट लेंगे खुश, बाकी दूसरा फिर वो कर लेंगे बाद में, उसको प्लस्टर सिस्टम मार के ना साफ बाद नहीं करेंगे। वो तो खाली कर दिया। ये देखें आप गाड़ी की कंडीशन अब कितनी बेहतर होगी, नीचे से देखें कितनी साफ़ है। ये सारा कुछ हमने साफ़ किया है, ये देखें सारी मेहनतें हुई हैं, ये अभी बच्चा मेहनत कर रहा है। ये देखें डैशबोर्ड की कंडीशन चमकना शुरू हो गया है, बस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी मतलब साफ़ हो गई है गाड़ी। ये बाकी सारी तो साफ हो गई है, बस गत्ते शत्ते लगाएंगे इसको और डेंटिंग शेंटिंग के लिए देंगे, डायर डेंटिंग होगी फिर ओके हो जाएगी गाड़ी। ये बाहर से आप देखें, बिल्कुल ज़ीरो मीटर कंडीशन में ले आए हैं गाड़ी को। बस अभी घर की तरफ चलेंगे, काम सारा तो हो गया है सफाई वगैरह का, पैसे वगैरह भी दे दिए हैं, बस अभी चलते हैं घर की तरफ। बस ये अभी ये घर की तरफ जाने लगे हैं, ये गाड़ी अभी सर्विस हुई है इस वजह से ठंडी है, चलें थोड़ी सी देर, स्टार्ट तो रखी थी मैंने तो गर्म हो जाएगी चलेगी तो। देखें जी पहले गाड़ी में बैठे हुए थे और कैसी थी, और अभी बैठे हुए पता चल रहा है कि गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं हम। सफी फिर कैसा लगा आपको गाड़ी साफ करके? और गुड हो गया, गुड हो गया। आज का व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं, अब गाड़ी की चिक चिक तो खत्म हो गई है काफी ज्यादा, गाड़ी की आवाजें बंद हो गई हैं क्योंकि धुली है और खामोश हो गई है गाड़ी। उसकी जिधर लुब्रिकेंट वगैरह खत्म हुआ था, वो डीजल वगैरह मैंने गाड़ी के नीचे भरवाया, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है गाड़ी के ड्राइव पे भी और ये सारा कुछ। तो बस आज का व्लॉग यहाँ पे ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं कोशिश करूँगा कि व्लॉग जल्दी से जल्दी बनाया करूँ ताकि आपको इंतज़ार ना करना पड़े, क्योंकि इस
पिछले दिनों में मेरे एग्जाम्स चल रहे थे, कल ही मेरे पेपर ख़त्म हुए हैं और बस उसी चक्कर में मैं लगा था तैयारी वगैरह करनी होती थी। फिर व्लॉग मैंने पेपरों के दिनों में ही बनाया था वो वाला बाइक वाला, तो अब बाइक तो मैंने उस दिन उसके वॉश करने की वीडियोज़ वगैरह बनाई थी मगर मैं अपलोड नहीं कर सका, तो क्योंकि कुछ कंटेंट मेरे दोस्त के पास पड़ा था उसके फ़ोन में, तो कुछ मेरे पास था क्योंकि दुलवाने के टाइम पर मैं नहीं था साथ उसके। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।